आज मैं शेयर कर रही हूँ भरवा करेले। अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिनको आप फॉलो करोगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो भरवा करेले बनाने के लिए ना तो बहुत छोटे करेले चाहिए और ना ही बहुत बड़े, ये इस तरह से चाहिए। और इनको अच्छे से पहले धो के साफ़ करके रख लें और हमने अब इसको छीन लें। और जब भी हम करेले लें उसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, कोशिश कीजिए कि जिस दिन हम करेले लें उसी दिन हम इसको बना लें। फ्रिज में रखने से करेले में कड़वापन आ जाता है, तो कोशिश कीजिए जिस दिन भी आपने करेले लिए हैं उसी दिन आप इसको बना लें। सबसे पहले हम इसको छीलेंगे, लेकिन हमने जो इसका ये ऊपर का और नीचे का पार्ट है इसको कट नहीं करना। इस तरह से इसको पील करेंगे। ये देखिए अंदर अगर इस तरह से बीज है तो हम इसको निकाल देंगे क्योंकि हम बीज का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ये देखिए सब करेलों को मैंने छील के इसमें से सीड निकाल दिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपके करेले में अगर कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हम कोई भी इस प्लेट के नीचे ऐसे चाकू या कुछ भी रखेंगे और इसको ऐसे रख देंगे ताकि इसमें से जो भी कड़वापन होगा वो करेले में से निकल जाएगा। और इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। करेले में जो नमक डाल के हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसमें से अभी ये जो कड़वा पानी है वो अलग हो गया, ये देखिए। और अब इस पानी को हमने निकाल लेना है और करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस पानी को हमने फेंक देना है, इसको यूज में नहीं लाएंगे। इसको अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अभी ये 4 से 5 प्याज हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और मैं यहाँ पे ये कच्चा आम डाल रही हूँ क्योंकि आजकल कच्चा आम मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो इसमें थोड़ा सा खटास भी रहेगी। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें अमचूर डाल सकते हो, या फिर आप अगर अमचूर नहीं खाते तो आप जो आम के अचार का मसाला होता है ना आप उसको डाल सकते हो। उससे भी करेलों का टेस्ट जो है वो बहुत टेस्टी आता है और कड़वे भी नहीं बनते हमारे करेले। ये हम एक ले रही हूँ, इसको डाल देंगे। अभी मैं सूखे मसाले डालूंगी। मैंने इसमें डाला हल्दी, लाल मिर्च और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें अमचूर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हमने कोई भी मसाला पकाना नहीं है। अब हम ये मसाला इन करेलों में भरेंगे और अच्छे से भरेंगे इसको। पहले हम सब करेलों को भर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे करेले भर लिए हैं।
और ये मसाला भी बच गया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम